हेलो दोस्तों, मिक्स क्रिएटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। आज तक मैं आपको खाना बनाना सिखाई, कटिंग सिखाई, ब्लाउज दिखाई, ऐसा छोटा छोटा चीज़ बहुत सारा दिखाई, डॉल बनाना सिखाए, पर आज मैं घर पे ही डिज़ाइनर साड़ी बनाने वाली हूँ। तो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। पहले बोल दे रही हूँ दोस्तों, और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आज मेरा 50 सब्सक्राइबर हो गया है, इसीलिए जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं उन सबको थैंक्स। और मैं आप लोग को और बोल रहा हूँ, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए। और स्पेशली एक पर्सन को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये चैनल खोला है, जिसका प्रोत्साहित से मैं इतना कुछ सिल पा रही हूँ। थैंक्स मेरा उस दोस्त को, बहुत 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 थैंक्स। का मैं लेस ली हूँ, और ये आपका पीच कलर का साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। इस लेस को हम इस पर अटैच करेंगे, अटैच करके साड़ी को डिज़ाइनर बना देंगे। तो हम इसे डिज़ाइनर कैसे बनाते हैं, टाइम वेस्ट बिना किए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा यहाँ सा पहले साड़ी यहाँ थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद से यहाँ इस तरह साड़ी को फोल्ड कर लेना है, ताकि मेरा हम लोग का साड़ी का नीचे और का साथ जब ये लेस अटैच होगा तो ये बहुत ही मजबूत रहे। और अपना लेस को थोड़ा सा हल्का ऐसा मोड़ लीजिए, नहीं तो आपका ये जरी सब बाहर आ जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो चीज़ जो करना है उसे थोड़ा सा ब्यूटीफुली फिनिश करने से अच्छा इसको लेस को ऐसा बराबर में बैठा के हम लोग सिल देंगे। सीधी ऐसे बराबर में बिठाते बिठाते धीरे धीरे सिलाई को, पहला सिलाई को थोड़ा सा मजबूत कर लेनी है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही साड़ी को इस तरह हाफ इंच या क्वार्टर इंच ऐसा फोल्ड करके पूरी साड़ी में पल्लू तक का हम आपको सिल के बताते हैं। पल्लू तक का आइए पल्लू, बहुत ही आसान है दोस्तों। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, मेरा ये साड़ी 6.5 मीटर की है ब्लाउज पीस, बट मैंने इसका ब्लाउज पीस नहीं निकाले हैं। जिनको ये साड़ी पहनना है उनको ज़्यादा प्लेट्स वाली साड़ी पसंद है, इसीलिए मैंने इसका ब्लाउज पीस नहीं निकाला है। और मैं इसका लेस 8.5 मीटर ली हूँ। साड़ी को ऐसे घुमा लेंगे, घुमा के पल्लू को भी यूं फोल्ड कर लीजिए आप इस तरह, आपको पीको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसा मोड़ लीजिए, कुछ नहीं, आप ऐसा फोल्ड करके देख लीजिए आपका ये वाला ट्राइंगल शेप में आ रही कि नहीं, बस आपका साड़ी फिर परफेक्ट आ जाएगी। अब सुई को निकालना नहीं है, सुई को अंदर डाले हुए आपको पल्लू के तरफ यूं घुमाना पड़ेगा। अब फिर आपको सीधा सिल लेनी पड़ेगी।
खींच लीजिए साड़ी को ऐसे मोड़ के, पल्लू का तरफ थोड़ा आप ज़्यादा ही मोड़ लीजिए, आपको और पीको करने का आवश्यकता नहीं होगी। साड़ी को भी और लेस को भी ज़्यादा मत खींचिए। फिर ऐसे कॉर्नर घुमाना है दोस्तों, और इस तरफ और साड़ी को आप फोल्ड मत करिएगा। अब हमने एक साइड के पूरे लेस लगा लिए हैं, दूसरे साइड में भी दोस्तों इसका जहाँ से हम लोग शुरुआत किए फिर वहीं से हमको दूसरा वाला भी सिलना है। तो हम ऐसे फिर इसको या थोड़ा सा सिलाई को पक्का करके शुरू कर देंगे। इस जगह को ऐसे घुमा के हम पक्का कर लेंगे। आइए दोस्तों, ये देखिए मेरा साड़ी कैसा बना। अगर आपको मेरा साड़ी अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक्स माय फ्रेंड, टुडे स्पेशल जस्ट फॉर यू।